Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So today we are going to read a chapter about an athlete named Jesse Owens. So let's start the chapter. Jesse Owens. The Olympic Games are the toughest and the biggest sporting extravaganza. It has given many a sport person who left an indelible mark in the history books. Jesse Owens was one such sport person who in 1930 amazed the world by breaking Olympic records and winning 4 gold medals against all odds. He was the most famous athlete of his time. बच्चों ये स्टोरी है जैसे ओवन के बारे में जो क्या है एक फेमस एथलीट है अपने टाइम के ठीक है इन्होंने ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीते थे तो ये स्टोरी है उनके बारे में बताया गया है कि उनका कब जन्म हुआ था कहाँ हुआ था उन्होंने कैसे स्पोर्ट्स में अपनी रुचि दिखाई ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जेम्स क्लीवलैंड जेसी ओवन्स वॉज अ ब्लैक अमेरिकन नाउ अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट He established several world records and is recognized as one of the greatest runner of all time. ठीक है इसमें बताया गया जो जेसी हैं उनका फुल नेम क्या था जेम्स क्लीवलैंड ओवन्स ठीक है उनका जन्म कहाँ हुआ था अमेरिका में हुआ था और वो क्या थे एक एथलीट थे जेसी ओवन्स वॉज बॉर्न ऑन 12 सितंबर 1913 एट डेनवाइल अलाबामा एज अ चाइल्ड ही वॉज स्किनी एंड often sick his 7 brothers and sisters called him jesse the whole family had to work to earn for their food the little james too had to work and pick cottons in the field ab isme bachcho bataya gaya hai ki unka janam kab hua tha 12 september 1913 ko hua tha theek hai aur wo jab chote the wo kya the bahut hi patle the bahut hi weak the bahut hi unki jo body thi na bahut hi weak thi aur wo उनके कितने भाई बहन थे उनके 7 भाई बहन थे और वो कहाँ से बिलोंग करते थे एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे जिनके पास खाने के लिए रहने के लिए पैसा नहीं था तो सारे के सारे जो उनके ब्रदर सिस्टर थे वो क्या करते थे कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते थे तो जो जेम्स भी थे जो जेसी भी थे वो भी क्या करते थे वो फील्ड से कॉटन को चुन के लाते थे होपिंग फॉर बेटर लाइफ द ओवन्स फैमिली मूव टू क्लीवलैंड ओहियो जेसी ज्वाइंड अ स्कूल देयर व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम हिज नेम He answered JC. The teacher misunderstood and wrote Jesse. This name stayed with him all his life. अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए उनकी फैमिली जो थी वो कहाँ शिफ्ट हो गई थी क्लीवलैंड में शिफ्ट हो गई थी जो कि कहाँ था ओहियो में था ठीक है वहाँ जाके जेसी ने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने जेसी बताया सिंपल लेकिन टीचर ने मिसअंडरस्टूड कर लिया और उनका नाम जो रजिस्टर है उसमें जैसे J-E-S-S-E करके लिख दिया एट स्कूल जैसे प्रूव्ड हिमसेल्फ अ वेरी गुड एथलीट बट ही वॉजन गिवन एनी स्कॉलरशिप ही हैड टू वर्क एंड अर्न फॉर हिमसेल्फ ही हैड ऑल्सो टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द ट्रैक हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ही वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट ठीक है अब ये बताया जा रहा है कि जो जैसे था वो पढ़ाई में तो अच्छा ही था लेकिन वो एथलीट में भी बहुत अच्छा था और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ बिताता था ट्रैक पे बिताता था ठीक है अब गुड स्टूडेंट होने के बावजूद भी ये बताया जा रहा है कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो अपनी जो उनकी प्रैक्टिस थी उसके लिए वो क्या करते थे खुद ही कमाते थे आफ्टर स्कूल जैसे ज्वाइन ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी व्हेन ही वॉज इन हिज सेकेंड ईयर हिज टीम वेंट टू ट्रैक मीट इन मिशिगन He decided to complete even though he had injured his back. Here he did something amazing. He broke 3 world records in running and jumping. अब बच्चों जब वो यूनिवर्सिटी में गए अपने कॉलेज पढ़ रहे थे तो उनको एक ट्रैक मीट थी उस पर ज्वाइन करने का उनको मौका मिला मिशिगन में ठीक है लेकिन क्या हुआ था उससे थोड़े टाइम पहले उनकी बैक जो थी हर्ट हो गई थी लेकिन फिर भी बैक हर्ट होने के बावजूद भी उन्होंने उस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया ना सिर्फ पार्ट लिया अच्छा परफॉर्म किया बल्कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े इन 1936 जैसे ओवन्स वेंट टू बर्लिन जर्मनी टू कम्पीट इन द ओलंपिक्स द हेड ऑफ द जर्मनी गवर्नमेंट देन वॉज एडोल्फ हिटलर ही ऑलवेज बोस्टेड दैट जर्मन एथलीट्स वर सुपीरियर टू ऑल अदर इन द वर्ल्ड ही वॉज एंग्री वेन जैसे ओवन अ ब्लैक अमेरिकन ब्रोक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड वॉन 4 गोल्ड मेडल्स इन द बर्लिन ओलंपिक्स ही रिफ्यूज टू अवॉर्ड Owen his medals and left the stadium but the German
people cheered Owen even when Hitler was watching the games. Jesse's records remained unbeaten for over 30 years. ठीक है, अब बताया जा रहा है कि 1936 में जैसे ओवन को एक मौका मिला कहाँ, ओलंपिक्स में पार्ट लेने का. वो ओलंपिक्स कहाँ हो रहे थे, जर्मनी में हो रहे थे. उस टाइम पे जर्मनी का जो प्रेसिडेंट था, जो हेड था, वो कौन था, एडोल्फ हिटलर था, जिसको अपनी टीम पे बहुत ही घमंड था, अपने प्लेयर से बहुत ही घमंड था. लेकिन उसका घमंड टूट गया जब जैसे ने उनकी कंट्री में जाकर ही बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते. तो उन्होंने क्या किया, जो हिटलर थे, जो वहाँ के हेड थे, उन्होंने उनको मेडल देने से भी इनकार कर दिया. ठीक है, और वहाँ से चले गए. लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो जैसे को बहुत चीयर कर रही थी. जैसे ओवंस बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. इवन सो ही वॉज बैडली ट्रीटेड इन हिज ओन कंट्री फॉर बींग अ ब्लैक. वेन ही रिटर्न होम आफ्टर द ओलंपिक्स ही वॉज नॉट कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय द प्रेसिडेंट. He was not allowed to sit in restaurant reserved for the white. He had to ride in the back of the city buses because seats in the front were reserved for the white. अब जो जैसे थे वो क्या थे, वो वर्ल्ड फेमस एथलीट बन गए. लेकिन उनको अपनी कंट्री में ना इतना सम्मान नहीं मिला. क्यों? क्योंकि वो क्या थे, बाई कलर जो थे वो ब्लैक थे. तो उस टाइम पे क्या था, काले लोगों को इतना कंट्री में सम्मान नहीं मिलता था एज कम्पेयर टू द वाइट्स. मतलब जो गोरे लोग थे उनके कंपेरिजन में क्या था, जो ब्लैक लोग होते थे उनको बहुत ही नीचा समझा जाता था. उनको जैसे कि बस में पीछे बिठाया जाता था, गोरे लोगों के लिए आगे सीट्स रिजर्व रखी जाती थी. मतलब इतना भेदभाव उस टाइम पे हुआ करता था. हाउएवर स्लोली थिंग्स बिगेन टू चेंज इन अमेरिका. द ब्लैक्स वर गिवन इक्वल राइट्स विद द वाइट्स. इन 1976 जैसे ओवंस रिसीव द मेडल ऑफ फ्रीडम फ्रॉम प्रेसिडेंट गेराल्ड फोर्ड. इट इज द हाइएस्ट ऑनर एन अमेरिकन कैन रिसीव. हालांकि क्या हुआ, काफ़ी टाइम बाद जो है चीज़ें जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगी. जो रूल्स था वो क्या हो गया, चेंज होने लगा. मतलब लोगों, जो काले लोग थे उनको भी इक्वली राइट, इक्वली हक मिलने लगा जो गोरे लोगों को मिला जाता था. ठीक है, 1976 में जैसे ओवन को वहाँ के प्रेसिडेंट द्वारा मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया, जो कि वहाँ के हिसाब से बहुत ही बड़ा अवार्ड माना जाता था. दस जैसे ओवंस हु बिगेन लाइफ एज अ पुअर सिकली बॉय became a world hero by his hard work. He died 4 years later in 1980. अब बच्चों ये बताया जाता है कि एक poor, एक weak लड़का कैसे hard work से, एक छोटे गरीब इंसान से एक बहुत ही world famous athlete बना. ठीक है, अब ये बताया जाता है कि 1980 में उनकी क्या हो गई थी, death हो गई थी. तो ये थी story किसके बारे में, जैसे ओवंस के बारे में, जो बहुत ही बड़े एथलीट थे. और वो हमें क्या देते हैं, एक तरह से प्रेरणा भी देते हैं, इंस्पिरेशन भी देते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए, अपने हार्ड वर्क से चीज़ों को और अपने गोल को अचीव करना चाहिए. तो कैसी लगी स्टोरी, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी. अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.